रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ छवि। ISVIR की ओर से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया। रक्त वाहिकाओं से जुड़े रोगों के इलाज के लिए भारत का पहला स्वदेशी उपकरण 2023 तक बाजार में आ जाएगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ वेस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ISVIR ने हाल ही में मुंबई में अपने राष्ट्रीय स्तर के मध्यावधि सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में देश के कोने कोने से सैकड़ों डॉक्टरों ने भाग लिया। सबसे पहले मैं नमस्कार आप सबको करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अजीत यादव है। मैं जो सोसाइटी है इंडियन सोसाइटी ऑफ वेस्कुलर एंड इंटरवेंशन रेडियोलॉजी उसका सेक्रेटरी हूँ। और बेसिकली हमारी सोसाइटी जो है दैट इज़ दी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी दैट इज़ IR, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IR। IR वो डॉक्टर्स हैं जो कि एक सुई के माध्यम से जितनी भी हमारी बॉडी की बीमारियां हैं जो सर्जरी के माध्यम से नहीं करते हैं या जिनको सर्जरी बचाने के लिए हम जिनसे सुई के माध्यम से हम सारी सर्जरीज कर सकते हैं। जैसे अगर बच्चेदानी में गांठें हैं हम सुई से अंदर जाके बच्चेदानी की गांठों में दवाई डालते हैं वो श्रिंक कर जाती है। इसी तरह गदूद है जैसे प्रोस्टेट जो होती है वो इनलार्ज है साइज़ में उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। अब नई तकनीक से हम क्या करते हैं सुई के माध्यम से ही अंदर जाते हैं पैर की नस से या हाथ की नस से अंदर जाएंगे छोटे छोटे हमारे तार जैसे माध्यम से वहाँ पे हम छोटे पार्टिकल्स गोंद टाइप का होता है मेडिकल गोंद होता है वो अंदर डालते हैं जिससे कि पूरी प्रोस्टेट की या गदूद की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाए कर रहे हैं हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में उनको इनाम भी देने वाले। धन्यवाद सबका। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी दिस इज ए सुपर स्पेशलिटी ऑफ रेडियोलॉजी वेयर वेरियस प्रोसीजर्स आर डन विथ हाई प्रिसीजन एंड दैट इज बिकॉज इट इज़ डन अंडर सम इमेज गाइडेंस लाइक इट इज़ डन अंडर सोनोग्राफी गाइडेंस और सिटी स्कैन गाइडेंस और फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस। सो द एम इज़ टू टारगेट वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन द बॉडी अंडर प्रिसाइजली अंडर एन इमेजिंग एंड सेकेंड इज दैट इट इज़ मिनिमली इन्वेसिव इफ यू डोंट हैव टू ओपन द पेशेंट अगेन एंड अगेन यू जस्ट डू अ एंजियोग्राफी और डू अ स्मॉल पिन होल सो इट इज़ लाइक ए की होल और पिन होल सर्जरी थ्रू दैट द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन द बॉडी दे आर ट्रीटेड। सो दिस इज अ सुपर स्पेशलिटी ऑफ रेडियोलॉजी कॉल्ड एज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। सो वॉट कम्स अंडर दैट आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ इंटरवेंशंस वन विच आर डिसीजेस रिलेटेड टू ब्रेन and that is called as interventional neuroradiology, diseases related to peripheral vascular diseases means it is the other the arteries or veins of the body other than heart, that is called as peripheral vascular disease and that is called as peripheral interventional radiology and third is interventional radiology in cancer, so that is called as interventional oncology. So in these three parts various interventional radiology procedures are done. So what is done in that, one is in the peripheral interventions the arteries or veins of the body if they are blocked they are opened, that is called as angioplasty. So kahin bhi kahin block hua rahega to jaise plumber ka kaam rehta hai andar kuch choke ho gaya hai to jaake open karna hai. So similarly jo bhi body ki nasen बंद हो जाती है ब्लॉक हो जाती है सो विदाउट ओपनिंग द पेशेंट हम लोग उसको खोल देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्लास्टी। एंड कहीं पे कुछ ब्लीडिंग होता रहेगा जैसे लीवर में ब्लीडिंग हो रहा है ब्रेन में ब्लीडिंग हो रहा है तो वहाँ पे जाके उसको जैसे प्लम्बर कुछ लीक हो रहा है तो उसको बंद कर देता है तो हम लोग अंदर जाके उसको बंद कर देते हैं। वैस्कुलर सर्जन हेपेटिक सर्जन उनसे डिस्कस करके डिसीजन लेते हैं बट दिस ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल एंड पेशेंट शुड गेट बेनिफिटेड। Now again, one flip side of these treatments is that because the hardware that we use means the catheters, needles, they are all imported. So one side effect or other flip side is that they are a little costly. For that purpose, as a society, we are trying to collaborate with Indian companies so that we can make them and institutes like IIT and other technical institutes where we can so that we can reduce the price so that our Indian patients can afford it. On one side and on the other side we are trying to get all these treatments covered under various government schemes
लाइक आयुष्मान भारत, PMJY, महात्मा फुले, ऑल दीज स्कीम्स इन डिफरेंट स्टेट्स, देयर डिफरेंट स्कीम्स, वी विल लाइक टू गेट देम कवर्ड अंडर दिस स्कीम सो दैट जनरल पेशेंट कैन ऑल्सो एफोर्ड दिस ट्रीटमेंट्स. गुड आफ्टरनून. आई थिंक बोथ डॉक्टर सुरेश कुलकर्णी एंड डॉक्टर अजीत यादव हैव गिवन यू एन ओवरव्यू ऑन व्हाट आर द डिजीजेस वी ट्रीट लार्जली अबाउट दिस कॉन्फ्रेंस. सो टुडे फॉर नेक्स्ट टू डेज वी हैव गॉट डेलीगेट्स एंड कंसल्टेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, राइट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू मेघालय टू कर्नाटका टू केरला एंड ऑब्वियसली गुजरात एंड ऑल दी अदर स्टेट्स एज वेल. वी हैव सम इंटरनेशनल डेलीगेट्स हुव कम फॉर दिस मीटिंग एज वेल. सो वी हैव सम डेलीगेट्स हुव कम फ्रॉम नेपाल, वी हैव सम डेलीगेट्स हुव कम फ्रॉम सिंगापुर, एंड वी हैव सम डेलीगेट्स हुव कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एज वेल. सो फॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द कंटेंट ऑफ द मीटिंग where we are learning from mistakes and complications, we are able to have a large gathering on a big scale. Again, the intent is to teach and pass on the message that we can do good job for the patient care. Thank you. This is Dr. Balaji. I'm Vice President for ISVR. So this conference is called as Complication Meet. So every conference, what happens is, like, you know, all the seniors work for maybe around 20 years, 30 years, and while doing cases, they get a lot of complications. But the younger generation need not do all those 100 cases to learn about that complication. So there is a transfer of knowledge from a previous generation to the next generation. So the conference is very important. All the medical conferences, this transfer of the knowledge happens. So in these conferences, like, you know, as Dr. Ajit told, we talk about complications. When we do procedures, a lot of procedures, we get complications. And once the complication comes, how to handle the complication is never written in any of the books. It is a practical knowledge.